अगर हम खाली इंजेक्शन लगवा ले तो क्या होगा? गिटार में ये बड़ा होल क्यों होता है? आखिर क्यों मिला एक चूहे को गोल्ड मेडल? ये सभी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, गिटार में आपने ये बड़ा होल तो देखा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये होता क्यों है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, इस होल का एक ही मेन काम होता है और वो है आवाज को निकालना। जब गिटार की स्ट्रिंग को खींचा जाता है तो वाइब्रेशन उस होल के अंदर जाता है और उसके बाद ही आवाज आती है। अगर ये होल नहीं होगा तो गिटार में आवाज आएगी ही नहीं। लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गिटार आते हैं उसमें शेद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें आवाज डायरेक्ट स्पीकर से आती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते कि जापान में 90% मोबाइल्स वाटरप्रूफ होते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों को फोन से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है और वो नहाते समय भी फोन को यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीकी नस्ल के एक चूहे को ब्रिटेन की एक संस्था ने बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था? क्योंकि इस चूहे ने कंबोडिया में अपने सूंघने की शक्ति से 39 बारूदी सुरंगों में 28 जिंदा विस्फोटों का पता लगाया, जिससे हजारों लोगों की जान बच गई थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जापान में एक ब्रिज है जिसका नाम एशिमा ओहाशी ब्रिज है, जो दिखने में किसी रोलर कोस्टर की तरह है। इसीलिए इसे जापान रोलर कोस्टर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आप इस ब्रिज पर कार या बाइक से ट्रेवल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप आसमान में जा रहे हो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम खाली इंजेक्शन लगवा ले तो क्या होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, खाली इंजेक्शन में हवा भरी रहती है और अगर ये खाली इंजेक्शन किसी इंसान को लगा दिया जाए तो उसके शरीर में हवा के बड़े बड़े बुलबुले बनने शुरू हो सकते हैं, जिसे एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को पूरी तरह से रोक सकते हैं और इससे इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए खाली इंजेक्शन को लेकर कभी भी किसी के साथ मजाक ना करें। तो दोस्तों, आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।